आप लोग एक जनता विधायक शामिल हो गए चारों ने स्पीकर महोदय के सामने फिजिकल अपना प्रेजेंस और चिट्ठी दे दी गई है, जो नियम है। और हम लगभग 3 पॉइंट कुछ चाहिए होता है, इसमें तो लगभग 5 में से 4 है, तो 3/4 से भी अधिक है। हम लोग जनता ने तो चुनाई था राजद को। चारों विधायकों को अपने गाड़ी में बैठा के ले जा रहे हैं। और फिर से एमआईएम के चारों विधायकों देखिए किस तरह से ड्राइव करके गाड़ी जो है वो जा रहे हैं और चारों विधायकों को है लेकर जा रहे हैं। खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। जयेश जी ठीक ठीक चलिए, खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। देखिए अश्विनी यादव जो है वो एएनएम के चारों विधायकों को अपने साथ लिया गया था। मार्च में भी वीआईपी के 3 विधायक अश्विनी यादव ने पुराने घर में लोग आए वहाँ जी, बहुत समय नजदीक आ गया एकदम। सर क्या कहेंगे आप लोग? क्या हम लोगों ने इस काम को अंजाम दिया। देखिए समीकरण बदलने की बात तेजस्वी प्रसाद यादव ने की है और एआईएम के विधायकों को लेकर जो है वो राबड़ी आवास से पहुंच चुके हैं। यानी आज जो है बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है। एआईएम के 4 विधायक तेजस्वी ने यह बात को कहा कि एक जो विधायकों को दल छोड़ने का जो एक फॉर्मेट होता है या जो संख्या बल होती है उससे कई ज्यादा, यानी 5 की संख्या है एआईएम की। अब जो है वो 5 की जगह 4 विधायकों ने जो है पार्टी को एक साथ छोड़ा। इस्तीफा पत्र भी जो है विधानसभा अध्यक्ष को दे दिया है, इस छोड़ने की जानकारी दे दी गई। तेजस्वी यहां पर उन चारों विधायकों को खुद अपने गाड़ी के साथ जो है वो ड्राइव करके पहुंचे थे और यहां पर जो प्रक्रिया थी औपचारिक प्रक्रिया वो किया गया और यहां से तेजस्वी प्रसाद यादव उन तमाम विधायकों को लेकर निकले। एक बात उन्होंने कह दिया कि अब बड़ी पार्टी की जो बात कही जा रही थी राजद को, 80 विधायकों के साथ वो सबसे बड़ी पार्टी बिहार में हो गए हैं। और उन्होंने एक बात कहा कि जनता ने पहले ही मैंडेट दिया था उन्हें बड़ी पार्टी का। और एक बात उन्होंने जाते जाते कहा कि बहुत ही जल्द वो समीकरण बनने वाला है जो बिहार में वो लगातार बात कर रहे हैं कि उनकी सरकार होगी। और ये बात पर काफी हंसते हुए उन्होंने जवाब देकर कहा कि ये जल्द ही इस पर जो है बिहार के लोगों को दिखेगा कि बिहार में किस तरह से राजनीति समीकरण फिर से बदलती है और बिहार में जो बातें कर रहे हैं वो सही साबित होगी। इस समय कैमरा पर्सन सुनील के साथ गौतम गौड़, कशिश न्यूज पटना।